हैं कि सरकार को घेरने के लिए पोल पोल धावा बोल आपका यह अभियान जारी है, थोड़ा डिटेल से बताएं। मैं पहले आपको अपना परिचय दे दूं, मैं राष्ट्रीय लोकदल का बुंदेलखंड का अध्यक्ष हूँ, वीरेन्द्र साक्षी मेरा नाम है। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में 13 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक सरकार की नाकामियों को लेकर और प्रदेश में बड़ी विद्युत दरों को लेकर और जो इन्होंने चुनाव के दरमियान जो वादे किए, आम पब्लिक को गुमराह किया, उन सब की पोल खोलने के लिए पोल खोल धावा बोल अभियान हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से चलाया। इसी क्रम में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी लक्ष्मी गार्डन झांसी में आगामी 9 अगस्त को एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हमने 4 जुलाई को पूरे प्रदेश में ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया कि ये विद्युत की जो बड़ी दरें हैं इनको वापस लिए, क्योंकि इसका सारा प्रभाव आम जनमानस पर, किसानों पर पड़ रहा, क्योंकि इतनी बेतहाशा बढ़ा दिया गया, जहां 150 रुपए लगता था उसको 350 रुपए कर दिया, किसानों को जो बिल देना पड़ रहा है वो 1.5 गुना कर दिया गया, इससे महंगाई और किसान की कमर भी टूट गई। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किया था, वो सब वादे इनके केवल झूठे साबित हैं। हमारी पार्टी ने इसलिए निर्णय लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे फिर ये कोई झूठ फरेब लेकर आगामी चुनाव के लिए और पब्लिक को गुमराह करें, जैसे जात में, धर्म में और झूठे वादे दिखाएं। इसलिए हम लोग पोल खोल धावा बोल अभियान चलाकर जन जागरण अभियान बताया जा रहा है कि बिजली घरों का भी घेराव आप लोग करेंगे। बिजली घरों का घेराव जिस दिन हमारा अभियान 12 अगस्त को समाप्त होगा, हर जनपद में हम लोग बिजली घरों का घेराव करेंगे कि ये मूल्य वृद्धि वापस ली जाए। नेताजी यहाँ पे भी जब चुनाव के दौरान भाजपा के बड़े नेता आए हुए थे, अमित शाह जी वगैरह, तो उन्होंने यहाँ पे घोषणा की थी कि हमारे विधायक को जिताइए, यहाँ पे हम रेल लाइन लाएंगे, इस बारे में क्या कहेंगे? अभी तक ये वादा अधूरा ही है। नहीं, मैं ये कहता हूँ जितने भी वादे किए किसानों के लिए, मजदूरों के कल्याण के लिए, किसानों की कर्ज माफी के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, सारे झूठे साबित हुए। बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कहा कि हमने किसानों के कर्जे माफी की कोई बात ही नहीं की, केवल उद्योगपतियों की बात की। तो ये देश के जो चंद उद्योगपति हैं उनके इशारे पर ये सरकार चल रही है, आम जनमानस से इनका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए सारा व्यापारी, किसान, मजदूर हर जगह परेशान है और वो आने वाले चुनाव में इसका जवाब क्यों उनको मिले।